सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के सदन हॉल में बुधवार को हिंदी विभाग द्वारा संचालित हिंदी साहित्य परिषद के अंतर्गत व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभा सिंह ने कहा कि साहित्य से मनुष्य बेहतर इंसान बनता है तथा प्रेम व करुणा का भाव पैदा करता है। सभी धर्म साहित्य के माध्यम से मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि कालिदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से साहित्य के महत्व को रेखांकित किया। इस अवसर पर प्रोफेसर आनंद मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, रेलवे के पूर्व अधिकारी रणविजय सिंह सहित कॉलेज के छात्र व छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभा सिंह ने कहा, प्रभा सिंह विभाग अध्यक्ष हिंदी विभाग, आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ हिंदी साहित्य परिषद का गठन हुआ है और ये आज से नहीं, पिछले 25 वर्षों से हिंदी साहित्य परिषद के तहत हम लोग प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करवाते हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए निबंध प्रतियोगिता, काव्य लेखन प्रतियोगिता, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर प्रतियोगिता करवाते हैं और इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को पुरस्कृत करते हैं। इसके साथ ही साथ जो बच्चे इसमें प्रयासरत हैं उनको भी सांत्वना पुरस्कार हम लोग देते हैं। और ये हमारा प्रयास इसीलिए है क्योंकि हिंदी भाषा की जो स्थिति है उसको और सबल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इस दिशा में ये प्रयास किया जा रहा है। और मेरे विभागीय सहयोगी बंधुओं का भी मुझे पूरा सहयोग मिलता है, अपने छात्रों का मिलता है और सबसे अच्छी बात हमारे प्राचार्य जी भी इस कार्य में पूरी अभिरुचि लेते हैं। उनके सहयोग से ही हम लोग इस कार्य को अच्छी तरह से करते हैं।